Hello dear students, I hope you all are well. Today I am going to give you the explanation of the chapter The Luncheon by Somerset Maugham, Chapter 6, DAV Board, Class 8. मैंने इस चैप्टर की समरी ऑलरेडी अपने चैनल पे एक साल पहले की रिकॉर्ड की हुई है, पोस्ट की हुई है, लेकिन अब किसी बच्चे की बार बार डिमांड आई है कि मैम प्लीज़ इसको वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेन कर दो. तो अब मैं इस चैप्टर को वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. प्री रीडिंग टास्क आप खुद कर लेना, क्योंकि अगर वो भी मैं कवर करती हूँ तो चैप्टर बहुत ही लंबा होगा, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि समरी का ही वीडियो 14 मिनट्स का है, ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. आई कॉट साइट ऑफ हर एट अ प्ले एंड इन आंसर टू हर बैकनिंग आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर. जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं एक प्ले देखने गया था, जो स्टेज के ऊपर प्ले होते हैं वो प्ले देखने गया था, और उसके इंटरवल में मुझे किसी ने बैकन करके, बैकन मींस हाथ हिलाकर इशारा करके अपनी तरफ बुलाया, तो मेरी नज़र उस पर्सन की तरफ गई और मैं जाके उस पर्सन की तरफ, जो कि एक लेडी है, उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशन हर नेम आई हार्डली थिंक इट वुड हैव आई वुड हैव रिकगनाइज हर शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली. अब वो कहते हैं कि उसको मिले हुए मुझे सालों हो चुके थे, अगर कोई उसका नाम ना लेता तो शायद मैं उसको रिकगनाइज ना करता, पहचानता ना, लेकिन उसने मुझे बहुत ही ब्राइटली एड्रेस किया, बहुत अच्छे से उसने मुझे बुलाया उस लेडी ने. वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हाउ टाइम डज फ्लाई, वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंचन. अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो चैप्टर के राइटर हैं सॉमरसेट मॉगम. आप अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे तो मॉगम की दो प्रोनाउंसिएशंस पड़ी हुई हैं, एक यूके की एक अमेरिका की. जो मैं बोल रही हूँ सॉमरसेट मॉगम, वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, और जो यूके की है उसमें जी और एच साइलेंट है और वो उसको मॉम बोल रहे हैं, मॉम, ठीक है. तो कहते कि अब दोनों बातें करने लगते हैं आपस में, जिसमें लेडी कहती है कि कितने साल हो गए हैं हमें आपस में मिले हुए, टाइम तो बस उड़ ही जाता है, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, और हम में से कोई भी अब उतना यंग नहीं रहा. कहती क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था. पहले तो मैं आपको बता दूँ, द लंचन जो है उसका मतलब है लंच करने बाहर कहीं जाना या लंच डेट पर जाना, उसी को हम लंचन बोल देते हैं, या लंचन को हम लंच टाइम से भी इसको रेफर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये एक लंच डेट है. डिड आई रिमेंबर, अब नरेटर सोचता है क्या मुझे याद है कि मैं इसके साथ लंच डेट पर गया था. It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep body and soul together. अब वो कहता कि ये 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पहले मैं पेरिस में रहता होता था और एक टाइनी यानी कि एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में, छोटे से फ्लैट में मैं रहता था, ठीक है, जो कि लैटिन क्वार्टर नाम की जगह जो है वहाँ पे थे, और उनके बाहर की तरफ जो है एक सिमेट्री थी, सिमेट्री हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड को, ठीक है, ग्रेवयार्ड थी. और कहता है कि मैं बहुत ही कम मनी कमाता था, बहुत कम पैसे कमाता था, ठीक है. मेरे जो मतलब इन्होंने यहाँ दिया नहीं हुआ, लेकिन ये नरेटर की जो प्रोफेशनल जर्नी थी उसका ये अभी स्टार्टिंग थी, इसलिए वो बहुत ही कम कमाता था. आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो क्योंकि ये उनकी जर्नी एज अ राइटर अभी स्टार्ट ही हुई थी, उनकी बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं आई थी, तो उनकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक idiom है जिसका मतलब होता है टू सर्वाइव इन लिमिटेड resources, कि कम पैसों में ही सर्वाइव करना, आई चलाई करना जिसको हम बोल देते हैं, तो वो कम पैसों में ही जैसे तैसे अपना गुजारा जो है वो कर रहे थे. She had read a book of mine and had written to me about it. अब वो कहते हैं कि उस लेडी ने जिससे आज वो प्ले में मिले हैं, 20 years पहले वो उसके साथ लंच डेट पर गए थे, 20 years पहले उस लेडी ने राइटर की एक बुक पब्लिश हुई थी, उसको पढ़ा था और उसके बारे में उनको लेटर लिखी थी, उसको वो बुक बहुत पसंद आई थी, और जो राइटर हैं उन्होंने भी लेटर लिखे उसका लेडी का थैंक यू किया था, ठीक है. और लेडी ने लेटर में ये भी बताया था कि वो पेरिस में से होकर गुजरने वाली हैं, मींस कि उन्होंने कहीं जाना है और उनकी ट्रेन पेरिस में से निकलेगी, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो राइटर के साथ मिलना चाहती हैं, उनसे बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. लेकिन उनके पास टाइम काफ़ी कम था उस लेडी के पास, और सिर्फ अगर कुछ पल, मोमेंट इज पल, कुछ पल अगर फ्री थे तो वो आने वाले थर्सडे में थे, कमिंग फॉलोइंग थर्सडे, ठीक है जी. और उसने लेटर में लिखा दैट शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग अब एक प्लेस का नाम है वहाँ, ठीक है. और आगे उसने लेटर में लिखा वुड आई गिव हर अ लिटल लंचन एट फ्योर्ड आफ्टरवर्ड्स,
कि उसने कहा कि जब मैं वहाँ पेरिस आ जाऊँगी और वहाँ ट्रेन से अपनी वहाँ उतरूँगी तो क्या राइटर जो नरेटर हैं क्या वो उसको फ्योर रेस्टोरेंट जो कि वहाँ का एक काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था उस टाइम वहाँ पे उसको लंच के लिए ले जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ लेडी ने अपने आप को सेल्फ इन्विटेशन दे दिया है। फ्योर्ट्स इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट एंड इट वॉज फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। अब नरेटर कहते हैं कि उस समय जब उसने ये बात मुझे लेटर में लिखी तो मेरे दिमाग में आया कि जो फ्योर्ट रेस्टोरेंट है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट है। वहाँ फ्रेंच सीनेटर, सीनेटर इज़ मेंबर ऑफ सेनेट, सेनेट मीन्स वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो वहाँ पे खाने पीने जाते हैं। और उन्होंने सोचा फार बियॉन्ड माई मीन्स, फार बियॉन्ड माई मीन्स इज़ आउट ऑफ माई रीच, आउट ऑफ माई बजट। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो वो जो रेस्टोरेंट था वो आउट ऑफ बजट था उस टाइम पे, ठीक है, और मैं वहाँ कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मतलब आज से 20 साल पहले। बट आई वॉज़ फ्लैटर्ड एंड आई वॉज़ टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमन। लेकिन वो कहते कि मैं उसकी इस लेटर से, उसने जो मेरी तारीफ़ की उससे मैं फ्लैटर हो गया, मतलब उसने मेरी बटरिंग की और मैं उसकी बटरिंग के चक्कर में आ गया। और कहते कि मैं बहुत ज़्यादा यंग था और परहैप्स, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये उनकी फर्स्ट डेट थी, लेकिन उन्होंने लिखा कि वो बहुत ज़्यादा यंग थे उस टाइम पे जो नरेटर थे, जो राइटर थे सॉमरसेट, और उन्होंने सोचा कि किसी लेडी को ना कहना एक मैनरलेस बात है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नरेटर है वो इस बात से टेम्पटेड हो गए हैं कि एक लेडी ने उनको बाहर आने के लिए, उनके साथ जाने के लिए पूछा है। आई हैड 80 francs टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। तब कह रहे हैं कि उनके पास 80 francs हैं पूरा महीना चलाने के लिए, मतलब पूरा महीने के गुजारे के लिए 80 francs हैं। फ्रैंक्स फ्रांस की करेंसी है, ठीक है, और एक मॉडेस्ट लंच मीन्स कि एक छोटा मोटा जो लंच अगर मैं उनको करवा भी दूँ, एक एवरेज लंच, बहुत बढ़िया भी नहीं और बहुत लो लेवल का भी नहीं, एक एवरेज लंच अगर मैं करवा दूँ फ्योर्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 15 francs कट होंगे, खर्च होंगे, और मैं बाकी के 2 weeks जो हैं उसमें कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ। और कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पीऊँगा और फिर मैं अपना मंथ प्रॉपरली मैनेज कर लूँगा। एक्चुअली जो नरेटर हैं हर हाल में उस लेडी के साथ उस लंचन डेट पे जाना चाहते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न वो इस तरह की जो यू नो स्कीम्स हैं वो लगा रहे हैं कि मैं कैसे अपना जो मंथ है उसको कंप्लीट करूँगा। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कॉरस्पॉन्डेंस। अब कहते हैं कि मैंने उनको बाई कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर लिख कर आंसर किया कि हम मिलेंगे थर्सडे को फ्योर्ट पे 12:30 यानी 12:30 बजे। शी वॉज़ नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपियरेंस इम्पोजिंग रादर दैन अट्रैक्टिव। अब वो कहते हैं कि वो यंग नहीं थी। सबसे पहली जो डिसअपॉइंटमेंट की बात होती है नरेटर के लिए वो ये कि वो लेडी यंग नहीं थी, वो अपने 40s में थी, ठीक है, जो कि नरेटर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो यंग होगी। लेकिन कहते हैं अपियरेंस में, देखने में वो अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन पर्सनैलिटी उसकी ठीक ठाक थी, इम्प्रेसिव थी, इम्पोजिंग थी, बट शी वॉज़ नॉट अट्रैक्टिव, शी वॉज़ नॉट यंग, रादर शी वॉज़ टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। एंड बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज़ प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। और कहते हैं उससे बात करके ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ही बारे में सारी बात करना चाहती है। इंक्लाइंड का मतलब वैसे होता है झुकाव, कहते कि उसकी बातों का सारा झुकाव मेरी तरफ था, ऐसा लग रहा था कि मेरे ही बारे में सारी बातें करना चाहती है। तो कहते कि मैंने बहुत अटेंटिव लिसनर होके उसकी सारी बातें सुनने के बारे में सोचा, कि मैं प्रिपेयर था कि मैं बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुनूंगा। आई वॉज टोटल वेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉड फॉर द प्राइजेज वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड बट शी री एश्योर्ड मी। अब वो कहते हैं कि आई वॉज स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब सरप्राइज है, यहाँ पे दिया हुआ आपकी बुक में, यहाँ पे होगा शॉक्ड। वो कहते हैं कि मैं शॉक हो गया बिल ऑफ फेयर को देख के, बिल ऑफ फेयर मीन्स मेन्यू को देख के, मेन्यू आप सब लोगों को पता है, ठीक है, जिसपे डिशेस के नेम और उनके प्राइजेस लिखे रहते हैं तो उसको हम मेन्यू कहते हैं, ठीक है, मीनू नहीं कहते, प्लीज़ बी यू नो अवेयर ऑफ दिस थिंग, इट्स नॉट मीनू इट्स मेन्यू, बिल ऑफ फेयर भी हम उसको बोल सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो कहते जब वो आया तो मैं प्राइजेस को देख के शॉक हो गया क्योंकि प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई थे कि जितने मैंने सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा। एंटिसिपेटेड होता है एक्सपेक्ट करना, कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है वो चीज़ों के हाई थे, तो इसलिए मैं शॉक हो गया उस चीज़ को देख के। बट शी रीएश्योर्ड मी, रीएश्योर्ड होता है दिला, पक्का करना किसी को, लेकिन यहाँ पे है एक तरह से दिलासा देना कह लो, दुख में नहीं वैसे किसी को हौसला देना। लेकिन कहते उस लेडी ने मुझे हौसला दिया। आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंचन शी सेड। वो कहते कि मैं तो भाई लंचन के लिए ज़्यादा कभी कुछ खाती ही नहीं हूँ।
तो ये बात सुन के नरेटर को शायद मतलब ऑब्वियसली मन में अच्छा लगा होगा कि कम खाएगी तो मेरा कम बिल आएगा। ओह डोंट से दैट, आई आंसर जेनरसली। लेकिन नरेटर आगे से कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते कि मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने जो खाना खाइए। प्लीज़ ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कौन सा डायलॉग किसने बोला है, क्योंकि पेपर में एक डायलॉग आता होता है, फिर उसका पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, हु इज़ द राइटर, हु हैज़ स्पोकन दिस डायलॉग टू हूम, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। ठीक है, 4 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट आपको चैप्टर में से आएगा, पोम में से तो एक्सट्रैक्ट आता है, चैप्टर में से भी आता है 4 मार्क्स का। तो चैप्टर्स में आपको मालूम होना चाहिए क्या डायलॉग, कौन सा डायलॉग किसने बोला है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज। अब लेडी कहती है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैमन। अब वो कहते हैं कि छोटी सी कोई फिश खा लूँगी मैं अगर इनके पास, आई वंडर, अब वंडर का मतलब है सोचना, परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब वो कहते हैं शायद मैं सोचती हूँ इनके पास एक कोई सैमन हो। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, बट आई आस्क द वेटर इफ देयर वॉज एनी। अब कहते हैं कि अर्ली इन द ईयर फॉर सैमन, इसका मतलब ये है कि जो सैमन है वो एक सीजनल फिश है और किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में वो मिलती है, और बिल ऑफ फेयर यानी मेन्यू के ऊपर भी वो नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी जो नरेटर हैं ठीक है, उन्होंने वेटर को बुला के पूछा कि क्या उनके पास सैमन है। येस अ ब्यूटिफुल सैमन हैड जस्ट कम इन एंड इट वॉज द फर्स्ट दे हैड हैड, आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बींग कुक्ड। अब कहते हैं कि जब वेटर को बुला के पूछा तो वो कहते हैं हाँ जी अभी अभी एक फर्स्ट पहली ही जो सैमन है वो हमारे पास आई है, ठीक है, और कहते हैं कि मैंने उसको अपने गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया। और जब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया तो वेटर कहता कि जब तक ये सैमन जो है वो कुक हो रही है, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगेगा, कि तब तक आप कुछ और लेना चाहती हैं। नो शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैड अ लिटल कैविया, आई नेवर माइंड कैविया। अब वो कहते हैं कि नहीं मैं तो एक चीज़ से ज़्यादा लंच में खाती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास कैविया है तो मैं कैवियार ले लूँगी। अब ये पढ़ने में कैवियार लगता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है कैविया, आ पर ही ख़त्म है, र की साउंड नहीं है पीछे, कैविया, ठीक है, सुनने में मतलब यही आएगा कैविया। तो अब कैविया क्या है, इस ये आपकी बुक में दिया हुआ है, अ सॉल्टी रैलिश मेड फ्रॉम द एग्स ऑफ स्टर्जन और सर्टन अदर लार्ज फिश ईटन एज एन एपिटाइजर, ठीक है, एक डिश है जो कि किसी बड़ी मछली के एग्स से बनती है और एज अ एपिटाइजर खाई जाती है। एपिटाइजर ऐसी डिशेज होती हैं जो हमारी भूख को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है, तो मेन कोर्स खाने से पहले उस एज अ एपिटाइजर उसको खाया जाता है। माई हार्ट सैंक अ लिटल, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैविया बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अब कहता कि माई हार्ट सैंक, ये अगेन एक idiom है। अब वो कहता कि मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा मेरा दिल जो है वो बैठ गया, थोड़ा सा मैं डर गया कि जो कैविया है उसको भी अफोर्ड मैं नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब कि वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। लेकिन कहता अब ये मैं अपने गेस्ट को तो नहीं ना बता सकता कि वो उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैविया, बाय ऑल मीन्स का मतलब है, बाय ऑल मीन्स क्या है, फ्रेज है, और इसका मतलब है पूरी हिम्मत करके। अब वो कहता है पूरी हिम्मत करके मैंने वेटर को कह दिया कि दिल पे एक तरह से पत्थर रखे कि जाओ भाई ले आओ कैविया जब तक सैमन कुक हो रही है। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज मटन चॉप। अब कहता अपने खुद के लिए भी कुछ मंगाना था तो मैंने अपने लिए, अब ये यहाँ पे चोज वर्ड चूज़ की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है जी, तो इसीलिए इसमें सिंगल ओ है और प्रोनाउंसिएशन चोज है। तो वो कहता कि मैंने जो सबसे चीप डिश थी, जो सबसे रेट में प्राइस में कम थी, वो अपने लिए मंगवा ली एंड दैट वॉज मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मटन चॉप। अब ये डायलॉग लेडी का है, ठीक है, शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स, आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अब वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये जो डिसीजन है, लेडी कह रही है नरेटर को कि तुम्हारा ये जो डिसीजन है चॉप खाने का, ये बहुत ही गलत है क्योंकि ये एक बहुत हैवी आइटम होती है, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी हैवी चीज़ खाने के बाद, ठीक है, लंच के बाद काम कैसे करोगे, कैसे मतलब आप अपना काम जो है वो कर पाओगे, कि तुम्हें तो काइंड ऑफ लेजी फील होने लग जाएगा। एन कहती मैं तो बिलीव ही नहीं करती अपनी स्टमक को ओवरलोड करने में, हद से ज़्यादा खाने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक।
आई नेवर ड्रिंक एनी थिंग फॉर लंचन, शी सेड। नीदर डू आई, आई आंसर प्रॉम्प्टली। अब पहला डायलॉग लेडी का है, वो कहते कि मैं तो ड्रिंक्स में कुछ नहीं लेती लंचन में, और प्रॉम्प्टली का मतलब है क्विकली, और क्विकली नरेटर आंसर करते हैं नीदर डू आई, कि मैं भी नहीं कुछ लेता। ऑब्वियसली उन्होंने क्विकली आंसर क्यों किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ मेरे शायद थोड़े से पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। हेयर आई एम फिनिशिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ रियल लॉन्ग वीडियो, सो आई एम मेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इन सेकेंड वीडियो। फाइन, सो आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड पार्ट वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।